हेलो स्टूडेंट्स, चलिए यूनिट 13 देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट के बीच में डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, आई हैव डन एंड आई डिड। स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशन। टॉम इज लुकिंग फॉर हिज की, ही कांट फाइंड इट, ही हैज लॉस्ट हिज की। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ठीक है। दिस मीन्स दैट ही डज नॉट हैव हिज कीज नाउ, ठीक है। 10 मिनट लेटर क्या होता है? Now Tom has found his key. He has it now. Has he lost his key? Present perfect. No, he hasn't. He has found it. Did he lose his key? तो इस केस में क्या होगा? ये past simple. Yes, he did. He lost his keys. Past simple आ गया, ठीक है? But he has now found it. प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट इज अ प्रेजेंट टेंस, इट ऑलवेज टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउ। टॉम हैज लॉस्ट हिज की, ही डज नॉट हैव हिज की नाउ। द पास्ट सिंपल टेल्स अस ओनली अबाउट द पास्ट। इफ समबडी से टॉम लॉस्ट हिज की, वी डू नॉट नो वेदर ही हैज इट नाउ और नॉट। We only know that he lost it at some time in the past. Two more examples. Jack grew a beard, but now he have shaved it off. So he does not have a beard now. They went out after lunch and they have just come back. So they are back now. Don't use the perfect present perfect if there is no connection with the present. For example, things that happened a long time ago. The Chinese invented printing, not have invented. How many plays did Shakespeare write? ठीक है, not has Shakespeare written. Beethoven was a great composer. ठीक है, अब compare. Shakespeare wrote many plays. My sister is a writer. She has written many books. She still writes book, but Shakespeare तो अभी और लिख नहीं सकता ना। तो we use the present perfect to give new information. But if we continue to talk about it, it normally use the past simple. Oh, I have burned myself. How did you do that? ठीक है। I picked up a hot dish. Look, somebody has spilled milk on the carpet. Well, it wasn't me. I didn't do it. I wonder who it was then. ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि अगर हम अभी की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पास्ट की बात करते रहे तो हमें प्रेजेंट पास्ट सिंपल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरी। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो 13.1 है, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस सिचुएशन। जैक हैड अ बियर्ड, नाउ ही हैजंट गॉट अ बियर्ड, ही हैव शेव्ड ऑफ हिज बियर्ड। लिंडा वॉज हियर 5 मिनट अगो, नाउ शी इज इन बेड। तो क्या हो जाएगा इस केस में? शी हैज gone to bed. ठीक है, the temperature was 25 degrees, now it is 17. The temperature has fallen, या मैं बोल सकता हूं dropped, या बोल सकते हैं हम has gone down, कुछ भी हो सकता है। the light was off, now it is on. somebody has turned on the light, yes, somebody has turned it on. The trees was only 3 meter high, now it is 4. The tree has grown. ठीक है, the plane was on the runway a few minutes ago, now it is in the air.
तो द प्लेन हैज टेकन ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो 13.2 देखते हैं, पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। वेयर इज योर की? आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इट, ठीक है। आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वेंट टू स्लीप। अब मैरी डैश टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ वीक व्हाइल फॉर अ सॉरी मैरी डैश टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ व्हाइल बट शी शी इज बैक अगेन नाउ। तो मैरी क्या हो जाएगा इस प्लेस में? वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वेस कैरन ही डैश आउट, ही विल बी बैक इन एन आवर। तो ये यहां क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन आउट, ही विल बी बैक इन एन आवर। आई डिड जर्मन एट स्कूल बट आई डैश मोस्ट ऑफ इट। तो क्या हो जाएगा इस केस में? आई हैव फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। फिर क्या है कि आई मेंट टू फोन डायन लास्ट नाइट बट आई डैश। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आई फॉरगॉट, ठीक है। सेवेंथ देखते हैं, आई डैश अ हेडेक अर्लियर बट आई फील फाइन लाउ। आई हैड अ हेडेक, क्योंकि यहां वर्ब क्या है? लुक देयर्स एन एम्बुलेंस ओवर देयर। तो दे देयर डैश एन एक्सीडेंट पी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? दे देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, ठीक है। दे आर स्टिल बिल्डिंग द न्यू रोड, दे डैश इट नॉट फिनिश। दे हैव नॉट या हैवेंट फिनिश्ड इट। इज हेलन स्टिल हियर? नो, शी डैश आउट, जस्ट गो आउट। तो शी हैज जस्ट गॉन आउट हो जाएगा। द पुलिस डैश थ्री पीपल बट लेटर दे लेट हिम गो। द पुलिस अरेस्टेड, क्योंकि इस केस में क्या है? पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो उनको छोड़ दिया ना। एन डैश मी हर एड्रेस बट आई आई एम अफ्रेड आई डैश इट। तो एन गेव मी हर एड्रेस बट आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वेयर्स माई बाइक? इट डैश आउटसाइड द रोड, इट डैश बी डिसअपियर। तो इट वॉज आउटसाइड द रोड, ठीक है। इट हैज डिसअपियर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई इंग्लिश? डू यू थिंक आई डैश इंप्रूव, आई हैव इंप्रूव्ड, ठीक है। अब 13.3 देखते हैं, तो 13.3 है, आर द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? करेक्ट द वन दैट आर रॉन्ग। डू यू नो अबाउट सू? शी हैज गिवन अप हर जॉब। तो ये तो करेक्ट है। द चाइनीज हैव इन्वेंटेड पेंटिंग, नहीं, द चाइनीज इन्वेंटेड पेंटिंग आ जाएगा। हाउ मेनी प्लेस हैज शेक्सपियर रिटन, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा? इस केस में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट। तो इस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा, डिड
शेक्सपियर्स राइट। हैव यू रेड एनी ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले? तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये राइट है। एरिस्टोटल हैज बीन अ ग्रीक फॉलोअर फिलोसोफर, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट में है, तो एरिस्टोटल ये रॉन्ग हो जाएगा। एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। ओ आई हैव कट माई फिंगर, इट्स ब्लीडिंग, तो ये क्या है, ये ठीक है, राइट। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव गॉट मैरिड इन लंडन, ठीक है, तो यहां ये हैव गॉट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, गॉट मैरिड इन लंडन हो जाएगा। वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन बॉर्न, ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि यहां क्या हो जाएगा, वेयर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वेयर वर यू बॉर्न, क्योंकि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है नाइन्थ बिट, इसका नाइन्थ बिट क्या है कि मैरी इजंट एट होम, शी हैज गॉन शॉपिंग, तो ये तो करेक्ट है, राइट हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज बीन द साइंटिस्ट हु हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज द साइंटिस्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, वॉज द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब 13.4 देखते हैं, तो पुट द वर्ब इन द मोस्ट सुटेबल फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। लुक समबडी हैज स्पिल्ड स्पिल कॉफी इन द कार्पेट, ठीक है, वेल इट वॉजेंट मी, आई डिडंट डू इट। बेन डैश हिज लेग, तो बेन क्या हो जाएगा, बेन हैज ब्रोकन हिज लेग, रियली हाउ, ये क्या होगा, हाउ डिड दैट हैपन, ही, यहां क्या हो जाएगा, फेल ऑफ अ लैडर, ठीक है, क्योंकि इस दोनों केस में हम लोग पास्ट सिंपल यूज करेंगे। योर हेयर लुक नाइस, यू हैव अ हेयर कट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हैव यू हैड अ हेयर कट, यस, हु डैश इट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में पूछा गया है कि हु कट इट, ठीक है, तो हु हैव, तो यहां कट का है, तो यहां कट होने से क्या हो जाएगा इस केस में, तो ये आ जाएगा कट, ठीक है, हु कट इट डैश यू गो टू द हेयर ड्रेसर, तो इस केस में क्या है, डिड यू गो टू द हेयर ड्रेसर, नो अ फ्रेंड ऑफ माइन डैश इट फॉर मी, तो इस केस में क्या आ जाएगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन डिड इट फॉर मी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।